हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्मार्ट न्यूज़ चैनल। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है आपकी लोकल ट्रेन से जुड़ी, और ये अपडेट आपके लिए इस बार अच्छी खबर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए लोकल ट्रेन में फिर से लग सकती है सख्त पाबंदी। क्या नए नियम होंगे? क्या वापस से एक बार फिर से लोकल बंद हो सकती है आम जनता के लिए? जी हाँ, एक तरफ जहाँ आप सोच रहे थे कि आम जनता के लिए लोकल के टाइम टेबल में बदलाव होगा, जिसके बारे में खुद जो है मुख्यमंत्री जी के पास जो है इसकी अपडेट गई थी श्री राजेश टोपे के द्वारा, जो स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते हैं, उनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री जी के कानों में ये बात पहुंचाई गई कि आम जनता काफ़ी त्रस्त है लोकल के जो टाइम टेबल को लेकर। लेकिन ये क्या अचानक पासा पलट कैसे गया? तो इन तमाम चीज़ों को जानेंगे विस्तार से इस वीडियो के अंदर। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोकल में एक बार फिर से पाबंदी लगने के आसार नजर आ रहे हैं? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करूँगा। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मुंबई लोकल ट्रेन में रिस्ट्रिक्शन फॉर कम्यूटर्स टू कंटिन्यू एज अ सिटी विटनेस राइज इन कोविड केसेस आफ्टर रिजम्पशन ऑफ सबर्बन सर्विस। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही लोकल को स्टार्ट किया गया है 1 फरवरी से आम जनता के लिए 4 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक, उसके बाद 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, और उसके बाद जो है आप रात के 9 बजे के बाद आखिरी लोकल तक सफर कर सकते हैं। तो इन नियमों के बावजूद काफी लोग ऐसे हैं जो लोकल में नियमों का जो है पालन नहीं करते, कोविड से जुड़े नियमों का, जैसे कि मैं चेहरे पे मास्क नहीं लगाते, सैनिटाइज नहीं करते। जहां 2 आदमी की बैठने की जगह वहां पे 4-4 लोग बैठ रहे हैं, एक बार फिर से जो है लोकल को पुरानी तरह से समझ के चल रहे हैं। तो इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है कोरोना वायरस के जो केसेस है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस समय कोरोना के जो नए केसेस आ रहे हैं महाराष्ट्र में, 1 दिन में 3,000 मामले सामने आ चुके हैं, जिसको लेके फटाक से यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है तुरंत ही फटकार लग रही है कि लोकल में फिर से नियंत्रण किया जाए, अन्यथा लोकल में जो है काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस बढ़ सकते हैं और एक बार फिर से ये समस्या उजागर हो सकती है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की तरफ से जो है बयान आया, यानी महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से काफ़ी बयान आ रहे हैं कि अब लोकल में बीएमसी के अधिकारियों के द्वारा भी जो है सचेत किया गया है कि अब अगर लोकल में वापस से इस प्रकार के जो है आने वाले सप्ताह के भीतर जो मॉनिटर टीम कर रही है, अगर वापस से इसी प्रकार के कोरोना वायरस के केसेस इजाफा होते हुए देखा जाएगा तो फिर से लोकल बंद किया जा सकता है। और साथ ही आपको 20 फरवरी से पहले लोकल के टाइम टेबल में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, यानी जैसा अभी चल रहा है सुबह 4 से 7, 12 से 4, और उसके बाद रात के 9 बजे के बाद अंतिम लोकल तक, सेम वैसा ही आपको 20 फरवरी तक चलाना होगा। जी हाँ, उससे पहले कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी टाइम टेबल को लेके, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने की वजह से सरकार ने अपना मूड फिर से चेंज कर दिया है। क्योंकि जहां एक तरफ लोकल में आम जनता के लिए सहूलियत दी जाने वाली थी, सुबह 7 से 10 के भीतर सफ़र करने की अनुमति काफ़ी लोगों को मिलने वाला था, जैसे कि प्राइवेट कर्मचारी होते हैं, लिमिटेड कंपनी, सरकारी कर्मचारी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सुविधा का लाभ उठाने वाले थे। लेकिन कोरोना वायरस के केसेस ने इन तमाम चीज़ों को जो है एक बार फिर से धराशायी कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बात है आपको इम्पोर्टेंस, वो ये है कि आपको ये बात का ध्यान में रखना होगा कि आप स्वयं की जिम्मेदारी तो लीजिए कि चेहरे पे मास्क और नियमों का पालन, अन्यथा दूसरों का भी आप सचेत कीजिए कि अगर आप मास्क नहीं लगाए तो आप लोकल में प्रवेश नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही।